हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटोराइक। तो आज के वीडियो में मैं आपको दो बाइक कंपेयर करके देने वाला हूं जो कि होने वाले हैं 150 सीसी के। एक है यामाहा FZS V4 BS6 फेस टू मॉडल और इसको कंपेयर करने वाले हैं अपन होंडा की यूनिकॉर्न 160 के साथ। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो FZS V4 जो है फ्रंट की नई प्रोफाइल के साथ आती है विद LED DRL। यहाँ पर आपको नई LED हेडलाइट देखने को मिलती है जो कि न्यू लुक के साथ है, नए डिज़ाइन के साथ है और यहाँ पर DRL देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलता है, नया फेसलिफ्ट देखने को मिलता है FZS V4 के अंदर और इससे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगने लगती है अपनी FZS V4। रही बात अदर बॉडी की, मतलब अदर पार्ट्स की, तो आपको सेम देखने को मिलती है। ये डीलक्स वेरियंट है, यहाँ पर गोल्डन कलर में देखने को मिल जाता है FZS की बैजिंग। इंजन तक आपको सेम देखने को मिलता है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको आगे बताऊंगा क्या बदलाव आता है छोटा मोटा। साइलेंसर का डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं, छोटा सा आता है लेकिन थोड़ा मोटा आता है और रियर के प्रोफाइल MT15 जैसी मिलती है अगर अपन LED टेल लाइट को देखते हैं तब। मफलर भी देखने को मिलता है, तो प्रॉपर प्रैक्टिकल बाइक देखने को मिल जाती है अपनी FZS V4 विद स्पोर्टी लुक्स। अगर अपन यूनिकॉर्न से कंपेयर करेंगे तो यूनिकॉर्न से बेटर देखने को मिलती है अगर आप स्पोर्टी बाइक देखना चाहते हैं तो। अगर आपको कम्यूटर बाइक चाहिए तो आपको यूनिकॉर्न ज़्यादा पसंद आएगी एज कम्पेयर टू FZS V4। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसके अंदर आपको ठीक ठाक सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, यहाँ पर टैकोमीटर आता है और इंजन चेक लाइट जैसे नॉर्मल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर अपन FZS V4 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखें तो आपको देखने को मिलता है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और यहाँ पर दिखाता है आपको 100 किलोमीटर चलाने पर कितना माइलेज निकालती है बाइक या कितना पेट्रोल देती है। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यामाहा ऐप कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल तक आता है, मतलब इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है जो कि यूनिकॉर्न के अंदर मिसिंग है और FZS V4 में ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है और TCS का आपको लोगो भी देखने को मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर। और बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल में दोनों में किसका अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है, तो मैं कहूंगा FZS V4 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल ज्यादा अच्छा है क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो यहाँ पर FZS V4 के अंदर देखने को मिलता है आपको 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व BS6 स्टेज टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जिससे आपको 12.4 PS की पावर मिलती है और 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। और बात करें यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न के अंदर आपको 163 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इसका अभी BS6 स्टेज टू इंजन अभी आया नहीं है लेकिन आपको BS6 से कंपेयर करके देता हूँ। यहाँ पर 12.9 PS की पावर मिलती है और 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। यूनिकॉर्न के अंदर FZ से ज़्यादा पावर और टॉर्क देखने को मिलता है और इसी के साथ यूनिकॉर्न के अंदर FZ से ज़्यादा माइलेज भी देखने को मिलता है। 55-60 KMPL का माइलेज निकाल के देती है यूनिकॉर्न बाइक और FZ 50-55 का माइलेज निकाल के देती है। किसी किसी का कमेंट आ रहा है कि 40 के ऊपर ज़्यादा माइलेज निकाल के नहीं देती FZ, लेकिन मैं कह दूं आपके बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और यूनिकॉर्न आराम से निकाल के देती है 50 प्लस माइलेज और 60 तक आपको हाईवे पर मिल जाएगा यूनिकॉर्न से माइलेज। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न माइलेज के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। और पिकअप मैं कहूँगा दोनों का 19-20 है, लगभग उतना ही आता है पिकअप और रिफाइनमेंट लेवल्स भी आपको दोनों में सिमिलर देखने को मिलते हैं। यूनिकॉर्न कहीं ना कहीं स्मूथ ज़्यादा निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू FZS V4। बाकी दोनों बाइक के अंदर मोटे टायर आपको FZS V4 में मिल जाते हैं। 140 सेक्शन का रियर टायर मिलता है FZS V4 में और फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर देखने मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और दोनों बाइक के अंदर सिर्फ डुअल डिस्क का ऑप्शन आपको FZS V4 में देखने को मिलता है। यूनिकॉर्न के अंदर आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलती जितना आपको FZS V4 में मिल जाती है डुअल डिस्क के साथ। यूनिकॉर्न का रियर ब्रेक आपको ड्रम वाला मिलता है 130 mm का, तो यहाँ पर FZS बेटर निकल के आती है क्योंकि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, मोटे टायर मिलते हैं और इसी के साथ आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आपको जो मिलते हैं FZS V4 के अंदर यूनिकॉर्न से मोटे मिलते हैं और रियर में दोनों बाइक के अंदर आपको मोनोशॉक देखने को मिलता है। और सस्पेंशन सेटअप मैं कहूँगा सॉफ्टर साइड रहेगा अपनी यूनिकॉर्न का और जो FZS V4 है ये थोड़ा आपको मीडियम साइड मिलेगा, सिटी और हाईवे के लिए दोनों के लिए अच्छा रहता है। और ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक मैं कहूँगा यूनिकॉर्न आती है क्योंकि सीट कंफर्ट आपको यूनिकॉर्न का अच्छा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू FZS V4। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको दोनों बाइक में 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। सीट हाइट मैं कहूँगा यूनिकॉर्न की थोड़ा ऊपर आती है, 798 mm की सीट हाइट है और FZ की 790 mm की सीट हाइट आती है, तो जो टॉलर राइडर हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेड रहेगी अपनी यूनिकॉर्न BS6।
अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। तो FZS V4 के अंदर आपको ऑल LED सेटअप मिलता है, हेडलाइट आपको LED वाली मिलती है, टेल लाइट आपको LED वाली मिलती है, इंडिकेटर्स तक आपको LED वाले मिलते हैं, और यूनिकॉर्न के अंदर आपको सब कुछ हैलोजन मिलता है, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स, जो कि डाउन साइड है यूनिकॉर्न का। और इसका एल्यूमिनेशन भी आपको अच्छा नहीं मिलता यूनिकॉर्न के हेडलाइट का। FZ का एल्यूमिनेशन अच्छा आता है हेडलाइट का, अगर देखते हैं नाइट में राइड करते हैं तो। यहाँ पर FZ बेटर निकल के आती है यूनिकॉर्न BS6 के सामने इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में। और ओवरऑल वेट की बात करें तो यहाँ पर FZS V4 ज़्यादा हल्की निकल के आती है यूनिकॉर्न के सामने। 135 kg की FZ मिल जाती है और 140 kg की मिलती है अपनी यूनिकॉर्न BS6। ज़्यादा मोटी और ज़्यादा मोटे टायर देने के बाद, ज़्यादा स्पोर्टीनेस देने के बाद भी आपको हल्की बाइक देखने को मिलती है अपनी FZS V4। तो ट्रैफिक में राइड करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी अपनी FZS V4 एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न BS6। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक की प्राइसिंग की। तो FZS V4 महंगी आती है एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। यहाँ पर देखने को मिलता है यूनिकॉर्न का ऑन रोड प्राइस 1,38,000 रुपये और FZS V4 BS6 फेस्टो आपको मिल जाती है 1,56,000 ऑन रोड। तो लगभग आपको देखने को मिलता है प्राइस का डिफरेंस 18,000 का। 18,000 के अंदर आपको एक तो फुल डिजिटल मीटर मिल जाएगा, पिकअप और परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलती है दोनों बाइक के अंदर, डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाएगा, ABS तो दोनों बाइक के अंदर आता है, और स्पोर्टी लुक्स मिल जाएंगे, थोड़े अच्छे कलर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं FZS V4 में। यामाहा इंजन और होंडा का इंजन दोनों जापानीज इंजन है, तो दोनों भी वेल बिल्ड इंजन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये 150cc है, वो 163cc है, तो cc से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हॉर्स पावर पर डिपेंड होता है सब कुछ, पिकअप और पावर और टॉर्क पर डिपेंड होता है ज़्यादा पिकअप किससे मिलेगा। तो मैं कहूँगा 18,000 एक्स्ट्रा पे करने पर आपको FZS V4 लेना चाहिए या फिर यूनिकॉर्न की तरफ, अगर आपकी जो है रिक्वायरमेंट वो है ज़्यादा स्पोर्टी बाइक चाहिए, लेकिन जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो चलाने के लिए आपको ज़्यादा स्पोर्टी ना हो, दिखने में स्पोर्टी हो, तो आप FZS V4 की तरफ जा सकते हैं आपको पिकअप नहीं चाहिए तो। और रही बात यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न कम्यूटर बाइक है तो आपको माइलेज अच्छा निकाल के देगी, कम्फर्ट अच्छा प्रोवाइड करेगी और ज़्यादा रिलायबल रहेगी FZ के सामने। अब दोनों में से आपको कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और दोनों में से मुझे कोई लेना हो तो मैं यूनिकॉर्न को पिक करूंगा, क्योंकि मेरे को यूनिकॉर्न ज्यादा पसंद आती है FZS V4 के सामने। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको यामाहा FZS V4 वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न BS6 का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।